मैं घर पे बोल के 1000 रुपए लेके आऊंगी, आप मुझे 10 रुपए में बेच रहे हो। लोग अपने ब्लॉग में अच्छी चीज दिखा दीजिए। दशहरा है, नवरात्रों का टाइम चल रहा है भैया, 30 रुपए तो आपको देने चाहिए। तुम गूगल मैप लगा लो, कितना भी तुम गूगल यूज कर लो, हेल्प तुम्हारे ऐसे ही लोग आएंगे। गाइस अनफॉर्चुनेटली ये मेरा बोर्ड स्टोन 1000 खराब हो गया था। पापा हमने कितने का लिया था? 5000-6000 का हमने ये लिया था, ये खराब हो गया। तो मैंने नीचे कबाड़ी वाले अंकल जा रहे थे, मैंने सोचा इसको देखते हैं कितने में बिकेगा। 500 रुपए तो आइए चैलेंज है कि बेच सकती है। 500 रुपए मिल जाएंगे इसके? 50 रुपए 50 बता दे रही है। इनको जरा 1000 रुपए लेके आती हूँ घर में। अरे भैया ये है, इसका बताओ मुझे 500 रुपए दोगे? वो भी बताओ क्या दे बोलो। मैंने बोला मेरे को प्रॉफिट में घर जाना है आज। इसे वैसे ये यूज करने वाले को दे दो। चल ही नहीं रहा, वो खराब हो गया 10 रुपए का जाएगा। हाँ कम से कम 50 रुपए तो दो आप मुझे। कह रहा प्लास्टिक में जाता है 10 रुपए किलो, 1 किलो बजाना होगा जब 10 रुपए का जाएगा। अब आप किसी को वैसे यूज करने के लिए दे दो। क्या यूज करेगा, डिब्बा है वो खाली, अब काम भी नहीं कर रहा है वो। 10 रुपए मैं घर पे बोल के 1000 रुपए लेके आऊंगी, आप मुझे 10 रुपए में बेच रहे हो। कहाँ चल रहा है यार दादा? हाँ करवाया है, वो तार लगा के चलता है। अब क्या हमारे लिए तो नहीं चलता ना भैया? देखो मैं आपको कितने विश्वास से बता रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसे विश्वासघात मत करो भैया। सर क्या देना है? 1.5 किलो बजाना। देखो भैया आज दशहरा भी है, मेरी कुछ कमाई कराओ सुबह से। वो मेरी बोनी नहीं हुई है सुबह से। भैया प्लीज, भैया प्लीज बोल रही हूँ। 20 चलो 30 दो ना आपकी ना मेरी। नुकसान कर रहा हूँ ईमानदारी से। अब मैं देखो आज दशहरा है, नवरात्रों का टाइम चल रहा है भैया, 30 रुपए तो आपको देने चाहिए। 30 तो मेरे तो खुले भी नहीं। लो जी तुम्हारा नसीब ही खराब है। ऐसे मत बोलो, ये बड़ा अच्छा नसीब, 100 की बत्ती भी दिख रही है ऐसे मुझे। यहाँ पर खुले नहीं है ना, तो आप एक काम कर खुले दे दो मुझे। लाओ अरे 20 दो आप यहाँ। धन्यवाद गाइस, 20 रुपए की मेरी बोनी हुई है। अब आपने अगर ये देखो सही हालत में है वो, तब भी मैंने 20 रुपए में लिया है बस। वो कह रहे हैं वो है ही नहीं खुले, है ही नहीं, फिर कह रहे हैं आप मुझे खुले दे दो। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 20 रुपए दे दो आप मुझे। इसका मैंने एपी पीनी अब। ये लो मम्मा, आपका पुत्र ने कमाए 20 रुपए। इसको मंदिर में रख दे। ऊपर है असली माल तो सारा ये। अरे भाई एकदम घुटन वाली स्मेल आ रही है यहाँ से। हाँ वो तो खुल ही नहीं रहा कमरा, ये खुला ही नहीं है कब से पता नहीं। तो ऐसे हल्की सी अंदर गई मैं, मेरी सांस ऐसी हो गई एकदम। हाँ मैं कह रहा ट्राइपॉड निकाल। हाँ हटा दो, है ना उसका हेड तो है नहीं, कोई फायदा नहीं, हटा दो। सुबह मेरा ब्लॉग देखना चालू हो गए हैं लोग, उनके डेली रिचुअल्स कैसा लग रहा है। मैं चाय के साथ इसका ब्लॉग देखना बहुत अच्छा लगता है। क्या ये क्या बना दिया ये घर में आपने? अरे यार मैंने मिर्च का तड़का लगाया था उधर रख दिया, इसमें तड़का लगाया था पापा को दे दिया, वो पूरे घर में हो गई उसकी मिर्च। ये देखिए इतना गंदा हाल कर दिया मम्मी ने। पापा को चाहिए स्पाइसी आज फास्ट के बाद। दिखा अब क्या कर रहे हैं? ये करा था मैंने, तड़का लगा दिया था। हालत खराब हो गई खास के, और मेरा गला खराब है, मेरे गले में इतनी इचिंग हो रही है, और ये चल रहा है हमारे। आज ठीक हो जाएगी? आज ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी। कौन भैंस चुरा लेगा इनकी? बैगन में पनीर डालता है पापा ने, यार मैंने नहीं किया, पापा ने किया है। पापा ये कौन सा सोर्स है प्रोटीन का भाई? देखिए मिर्च और चावल का सोर्स, तभी तो आप लोग को गुस्सा इतना आता है। लोग अपने ब्लॉग में अच्छी चीजें दिखा दीजिए। हम दोनों बीमार भाई जा रहे हैं जिम, और
देखते हैं भाई जिम में क्या चल रहा है। 103 डिग्री बुखार में भी जिम जा रहा है। 103 तो नहीं होगा इसको, 100 मान सकती हूँ, समझ में आता उसमें भी भाई, we are going to hit the gym, so कह रहा है 103 डिग्री बुखार हो रहा है मुझे। और उसमें भी हम जिम जा रहे हैं तो see the level of my consistency and dedication, you know? इसकी कोई consistency, कोई dedication नहीं है, इसको घसीट के ले जाया जा रहा है। Surprise! जिम बंद है, हमें लग ही रहा था आज जिम बंद होगा, बट क्या कर सकते हैं, सुबह खुला हुआ था, शाम को बंद हुआ है, सुबह आ जाते सही रहता भाई। तो ये वेदर चेंज की वजह से नाक मुझे अजीब सी एलर्जी हो रही है ना, ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है भाई। एनीवेज गाइस, वी आर हेडेड बैक होम। फालतू में कपड़े चेंज, हेडिंग बैक नहीं, मेरे को सामान लेना है, कुछ साथ में चला। कितनी पतली सीढ़ियां हैं। अब हमारे सह परिवार ने सोचा है कि हम रावण दहन देखने जाएंगे, जबकि मुझे लग रहा है अभी तक तो रावण जी जल चुके होंगे कब के, क्योंकि यूजुअली 5-6 बजे तक रावण दहन हो जाता है, और अभी हमें पता भी नहीं कि हम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। सो लेट्स सी कि हमें आज रावण दहन देखने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या लगता है, मिलेगा? नहीं। पापा कह रहे हैं नहीं मिलेगा, भैया कह रहा है मिलेगा। आई एम न्यूट्रल। इस पार्क में तो दुर्गा पूजा हो रही है, इसमें रावण दहन नहीं हो रहा, हमें तो लगा यहाँ रावण दहन हो रहा होगा। पहले मम्मी हमें बाहर लेके आएंगी, चलो चलो घूम के आएंगे, अब ये करती हैं बाहर आके। पापा इज सो पिस्ड एट मॉम राइट नाउ, इट्स ऑफ द चार्ट्स। और हम दो बीमार भाई, हम ऐसे आग बंद कर के पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हैं, बिल्कुल कितना यूरिन से भी पास सूखा शरीर हो गया, बिल्कुल ऐसे सुखाम के बारे में क्या बताऊं भाई। मम्मी कर 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 चले जा रहे हैं, मैंने कॉफी भी छिटका दी भाई सूखे। तो यूरिन कल्चर कराया है, तो ऐसा लग रहा भाई मस्त घर जाके सो जाऊं भाई, इतना वो हो रहा है बुखार की वजह से ना, वीकनेस हो रही है इतनी जबरदस्त। बुखार में म्यूजिक बहुत तगड़ा बनता है। 48 आवर्स में बोला रिपोर्ट या सेम डे बोला है रिपोर्ट? यूरिन मेरी नींद बिगाड़ेगा तो कोई नहीं बनानी, सो जाइयो इससे अच्छा। और ये तेरी मुंडी आगे को कहाँ जा रही है, पीछे को रख, पीछे को रख, कर दे एडजस्ट अपने हिसाब से। क्या कर रहा है भाई, ये ठीक कर। हाँ ये सामने से देख, तेरा मुंह इतना बड़ा क्यों लग रहा है भाई? सुनो तुम लोग मेला देखने जा रहे हो क्या? कहाँ लगा हुआ है, कहाँ होता है वो? रावण जलेगा, रावण जलेगा। गूगल भैया, गूगल भैया, गूगल भैया, रावण कहाँ जलेगा? 46 के इधर जो, इधर से सीधे जाओ, फिर कट मार लेना, लाल बत्ती पे कट मार लेना इधर को, रास्ता बंद होगा जाओ। तुम गूगल मैप लगा लो, कितना भी तुम गूगल यूज कर लो, फिर तुम्हारे ऐसे ही लोग आएंगे। कुछ नहीं रखा ये गूगल मैप, सीरी पीरी कुछ नहीं करता ये। सबसे बेस्ट अगर तुम्हें रास्ता जानना है तो किसी लोकल से पूछ लो। और हम इतने कम से कम आधे घंटे से हम इधर उधर हांड रहे हैं, अब हम जा रहे हैं सेक्टर 46। जैसा कि लोग हमें सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि वहाँ कुछ तो हो रहा है, अभी भी वी आर नॉट श्योर कि हो क्या रहा है, बट देखते हैं भाई क्या चल रहा है। नहीं करो तो चलना चल। ओ कह रही भीड़ हो रही है, भीड़ भाई हमने अभी 46 दूर से देखा भाई, इतनी भीड़ लोग नहीं दिखे हमें, सिर्फ बाहर की सिर्फ व्हीकल इतनी ज्यादा है, और पैदल वाले तो और ज्यादा है, और टुमारोलैंड से भी ज्यादा भीड़ है, भयंकर भीड़ है भाई। मैं और भैया तो देखो बीमार पड़े, तो हमारे अभी डिस्कशन चल रहा है कि क्या करना है, तो हमारी तरफ से ना है, लेकिन मम्मी बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली उनके डिसीजन पे हम लोग वो एक्शन ले लेंगे। बताओ मम्मी हेड ऑफ द फैमिली, फिर आप दोनों ने सेम कपड़े पहन लिए, क्या प्रॉब्लम, क्या है भाई? बोलिए, बोलो यार। यार तुझको अगर भीड़ में चलना है, तेरे को लग रहा है, और फिर वहाँ पे खाली पीली वो चिक चिक करके पापा लड़ने लग जाएंगे। मैं कोई चिक चिक नहीं करता और कभी भी नहीं करता, किसी से लड़ने लग जाओगे बिना, किसी से लड़ेंगे वो अलग बात, तेरे से तो नहीं लड़ रहा। मैं नहीं जा रही लड़ने के लिए, थोड़ी जा रही हूँ। करना क्या है यार ये बताओ, चलना है कि नहीं चलना? मम्मा मुझसे मत पूछो भाई, मुझसे तू बता, तू बता, मेरे को तो नहीं लोग चलना, तो जा ही रहे भीड़ में, क्या ये लोग नहीं है, इंसान नहीं है जो जा रहे हैं, तो चलना है मतलब आपको। एक काम करते हैं वहाँ तक देख के आ जाते हैं, अगर हिम्मत हुई जाने की तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। नहीं ठीक है भाई, लेट्स गो गाइस। हमारी मानी नहीं किसी ने, हुआ वही जो मम्मी चाहती थी भाई। गाड़ियों की लाइन देख लो, वो देख गाड़ियों की लाइन देख लो भाई साहब,
कम से कम 50 गाड़ियां तो लगी होंगी यहाँ पे। अभी किसी ने गाड़ियां देखी खड़ी? 150-200 होंगी आराम से। मैं इतनी भी नहीं होंगी यार। क्यों नहीं होंगी? क्या कह रहे हैं 150-200 गाड़ियां होंगी। आते वक्त गिनते हुए जाऊंगी फिर बताऊंगी। वो देखो भैया रील देख कर टाइम पास कर रहा हूँ। देखो हम क्या गाड़ियां देख रहे थे भाई, यहाँ तो मोटरसाइकिलें देखो कितनी सारी है। मम्मा इतनी सारी बाइक्स देखिए कभी एक साथ, बाप रे कीड़े जैसी लग रही है। तो यहाँ पे पार्किंग में भाई इधर जगह भी नहीं है चलने की। मम्मा ये कहाँ ले आई आप? वो देख, वो देख। शोर कितना हो रहा है भाई यहाँ देखना। मौत का कुआं भी है वहाँ, चल के वाली वीडियो बना देंगे। बिग स्टेपर सारे डाल रहे हैं। एक्सेस भीड़ पार करने के बाद गाइज मैं तुम्हें बता दूं, हम मेले के अंदर एक पैर भी नहीं रखा है हमने। मतलब हम बस उसके गेट पे खड़े थे, मेले की एंट्रेंस पे खड़े हुए, और हमने डिसाइड कर लिया कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे। लिटरली एक कदम तो उससे आगे रखा होता भाई। इतनी ज्यादा एक्सेस भीड़ थी ना, मतलब अथहा गंदी वाली भीड़ थी। और मतलब एक होता है एक थॉट भी नहीं है कि चल नहीं क्या अंदर, ये भी नहीं था। मतलब पता था कि भाई जा ही नहीं पाएंगे। क्या कर रहा है ये भैया? यार हर जगह ये सुसु करने चालू हो जाता है, अच्छी बात नहीं है ये। बदतमीज कहीं का। मम्मा आ गए मजे आपको? आ गया स्वाद मिलेगा? हाँ आ गया मिलेगा स्वाद। मुझे मैं सिर्फ इसलिए जाती हूँ कि बचपन की जो यादें होती है ना, पुरानी यादें, पहले हम लोग जाते थे, फिर उसके बाद इन लोगों को लेके जाते थे, वो धनुषबाण और वो सब दिलाते थे, और हवा में एक जो ठंडक होती है वो सब। मैं बहुत इमोशनल हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंदर तो घुसे भी नहीं है हम लोग, सिर्फ बाहर ही बाहर से देख के आ गए। ना तो वहाँ हवा में ठंडक थी ना धनुषबाण थे, वो खाली पीपनी से बजा रहे थे, कान फटने को थे हमारे। वहाँ सिर्फ हवा में धूल थी, कुछ नहीं था। आपको कैसा लगा मेरे को जो चीज़? मेरे को ये लगा कि आज तक जब से मुझे अपने बचपन से लेके अभी तक याद है, कभी भी वो रामलीला वाला वो टाइम ना कभी स्किप नहीं किया। तो इस बार भी फाइनली लास्ट डे हम जा पाए तो क्या मुझे अच्छा लगा। चलो भाई मेरा तो हो गया है, ठीक है। मेरे को सर दर्द की दवाई दे दी, तेरा तो हो गया, हमारा तो अब शुरू हुआ ना। हमारा तो अब शुरू हुआ है, दवाई के साथ खत्म होने वाला है। भाई मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी बस मैं घर जाके खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। इफ यू एंजॉयड दिस वन मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज गाइज। कर दो, रोज रोज व्लॉग डाल रही हूँ, बड़ी तबीयत खराब में भी डाल रही हूँ, बिजी शेड्यूल में भी डाल रही हूँ, बड़ी मेहनत का काम है और भी काम होते हैं। तो प्लीज 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 तुम्हारा एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत 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 मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलती हूँ कल।